आज का हमारा टॉपिक है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, यानी वर्कआउट से पहले का खाना और वर्कआउट से बाद का खाना। तो गाइस इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, एंड गाइस अगर आप इन दो मीलों को स्किप कर रहे हैं तो गाइस आपकी जो मसल ग्रोथ है वो ना के बराबर होगी। एंड गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up guys? Welcome back. मैं हूं सोनू बेस्ट और आप देख रहे हैं गाइड टू फिट। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो दो मीले हैं प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील, ये आपके पूरे दिन भर की सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है। आप चाहे जितने भी मील कंज्यूम करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है। तो गाइज इन दो मीलों को कभी स्किप ना करें, क्योंकि गाइज अगर आप इन दो मीलों को स्किप कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो गाइज अब बात करते हैं प्री वर्कआउट मील के बारे में, यानी वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना है। तो गाइज जैसे कि हम जानते हैं हमारे फूड में तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब। तो गाइज हमें वर्कआउट से एक से डेढ़ घंटा पहले अपनी डाइट में प्रोटीन और कार्ब्स इंक्लूड करना है, और गाइज हमें फैट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जो फैट होते हैं वो स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं, जिससे कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा पेट भरा भरा लगता है और हम एक अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक पावर हाउस सोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो हमें एनर्जी देता है एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए। और जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में हमारी मसल्स में अमीनो एसिड सप्लाई करता है, जो कि तब काम आता है जब हम वर्कआउट करते हैं और जो हमारी मसल है ब्रेक होती है, टूटती है। तो गाइस अमीनो एसिड हमारी मसल को टूटने से बचाता है। तो गाइस आप वर्कआउट से एक से डेढ़ घंटा पहले कार्ब्स में ले सकते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, वाइट राइस, और प्रोटीन में ले सकते हैं एग वाइट। तो गाइस आपने सिर्फ एग वाइट लेने हैं, क्योंकि जो एग के अंदर का योक होता है उसमें गाइस फैट होता है, और आपने वर्कआउट से पहले फैट कंज्यूम नहीं करना है। और आपने वर्कआउट से ठीक 20 से 30 मिनट पहले अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो प्री वर्कआउट ले सकते हैं, और गाइस अगर आप प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, यानी वर्कआउट के बाद क्या खाना है। तो गाइस वर्कआउट के तुरंत बाद आपने अपनी बॉडी को प्रोटीन देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, आपने ना कार्ब्स लेना है आपने ना फैट लेना है। तो गाइस प्रोटीन में आप ले सकते हैं वे प्रोटीन, अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो अच्छी बात है, और गाइस अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आप कंज्यूम कर सकते हैं एग वाइट। तो गाइस जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी जो मसल है वो टूटती है, वो ब्रेक होती है, तो गाइस उससे जुड़ने में टाइम लगता है। तो गाइस उस टाइम के अंदर आपने अपनी बॉडी को अपनी मसल को अमीनो एसिड प्रोवाइड करने हैं, जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं। तो गाइस आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम करना है, और उसके 10 से 15 मिनट बाद आपने अपनी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी सारा ग्लाइकोजन निकाल देती है। तो गाइस आपको वो ग्लाइकोजन रिस्टोर करना होता है, इसीलिए आपको ग्लूकोज कंज्यूम करना है। ग्लूकोज में आप सिंपल शुगर फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल और बनाना। और गाइस वर्कआउट के एक घंटा बाद जब आपने प्रोटीन भी ले लिया और आपने अपनी बॉडी को ग्लूकोज भी प्रोवाइड कर दिया, उसके एक घंटे बाद आपने एक हैवी मील कंज्यूम करना है, जिसमें आपने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेने हैं और फैट भी लेने। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। अगर आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और जो आपकी मसल ग्रोथ है वो भी फास्ट होगी। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी है या मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, ड्रीम बिग, साइन आउट।